राशि मिथुन है, मिथुन राशि से तीसरे सूर्य और बुध आ गए हैं इस सप्ताह में परिवर्तन करके। तीसरे सूर्य आपके लिए राज्य शासन से, जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनके लिए अच्छा शुभ अवसर है। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं राज्य शासन की, उनके लिए भी शुभ अवसर है। कोर्ट मुकदमा जिनका चल रहे हैं उनके लिए भी शुभ अनुकूल समाचार मिल सकता है। और एकादशे सर्वलाभम, मंगल देव आपकी राशि में लाभ भाव में आ चुके हैं। लाभ भाव में मंगल देव जब आते हैं तो क्या करेंगे, आपको जमीन से लाभ दिलाएंगे। जमीन की इस समय खरीदने का शुभ अवसर है, आप जमीन से लाभान्वित होंगे। चाहे प्लाट हो चाहे खेती की जमीन हो, कोई भी, और खनिज पदार्थों वालों के लिए भी लाभदायक समाचार है, उनके लिए लाभान्वित होने का योग है। व्यापारी वर्ग के लिए भी उत्तम समाचार है, व्यापारी वर्ग का जो है सो अच्छा समाचार मिलेगा। इस प्रकार से ये मंगल का उपचार, और गुरुदेव आपकी जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि से जो गुरुदेव है, वो गुरुदेव इस समय धनु राशि पर चल रहे हैं, आपकी राशि से अष्टम है। मिथुन करक सिंह कन्या तुला वृश्चिक सप्तम है, सप्तम गुरुदेव है। सप्तम गुरुदेव आपके पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वभाव सौहार्द अच्छा बनाए रखेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बनाए रखेंगे, व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साथ साथ में आपके छोटे भाई बहनों के प्रति और पराक्रम के प्रति आपका सहजता, सहज प्रकार से अच्छा संपन्नता रहेगी, बड़े भाई बहनों का सुख मिलेगा, लाभ की मात्रा प्रचुर मात्रा में होने के संकेत मिल रहे हैं। इस प्रकार से मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव क्या कर रहे हैं, शनिदेव आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपको बकरी चल रहे हैं, और साढ़े ढैया शनि भी चल रहे हैं, बकरी भी चल रहे हैं, इसलिए साढ़े ढैया शनि जो अष्टम भाव में चल रहे हैं, अष्टम शनि आपके कर्म क्षेत्र में विनाशक हैं, और कर्म क्षेत्र छुड़ा रहे हैं जिनका मिथुन राशि, उनका कर्म क्षेत्र छूट रहा है और नौकरी छूट रही है, धंधा नुकसान में पहुँच रहा है। इस प्रकार से आपके अष्टम स्थान पर शनिदेव चल रहे हैं, और आपके कुटुंब में परिवार में अशांति बनाए रखे हैं, जो पृथकतावादी योग कुटुंब से कर रहे हैं, और संतान जीवन के लिए तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हानिकारक जो अष्टम शनि है वो विद्या बुद्धि के लिए हानिकारक हैं। जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं, जो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, जो सरकारी नौकरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ ना होकर के विवाद हो सकता है। इस प्रकार से, और राहु देव आपकी मिथुन राशि में ही विराजमान है, अचानक उत्तेजना आ सकती है, अचानक क्रोध बढ़ सकता है, अचानक होने वाले नुकसान से भी आप सावधानी रहना है, क्योंकि जब राहु जो है तो राशि परिवर्तन करते हैं तो दो महीना पूर्व उसका प्रभाव दिखाने लगते हैं, अच्छा या बुरा। तो राशि परिवर्तन करने का समय सितंबर में होगा, इसलिए अभी जो है सो जितनी भी समय आएगा आपको इस समय राहु से सावधान ही रहना है, अचानक कोई नुकसान कर सकते हैं। ये राहु जब भी कोई अच्छा और बुरा करते हैं, अचानक करते हैं, इसलिए सावधानी से आपको कार्य करना है। इस प्रकार से आपका ये सप्ताह मिला जुला फल देने वाला रहेगा। हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।